हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ रहे थे। ये मुहावरे लोकोक्तियों का पार्ट 10 है, यानी कि इससे पहले हमने 9 और पार्ट बनाए हैं और आगे भी जब इस सीरीज को बढ़ाएंगे तो हम आगे भी और पार्ट्स लाएंगे जिसके अंदर मुहावरे और लोकोक्तियां जितनी हो सके हम सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप इन सभी पार्ट्स को एक बार जरूर देख के जाना ताकि मुहावरे और लोकोक्तियों में से कोई भी प्रश्न अगर आता है तो वो आपसे मिस नहीं होगा, क्योंकि हमने सभी मुहावरे और लोकोक्तियों को इन सीरीज के अंदर कवर करने की कोशिश की है। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, आपकी जो एनसीईआरटी वाली बुक चलती है, वो ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। ये शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। या फिर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो, 86 96 60 85 41, ये 41 है लास्ट के अंदर। इस पर आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने सब्जेक्ट वगैरह जो भी जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो सब्जेक्ट वगैरह लिख के हमारे को व्हाट्सएप कर देना। हम व्हाट्सएप पे भी आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी चीज़ के लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मुहावरे और लोकोक्तियों को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला मुहावरा है कच्चा खा जाना या फिर कच्चा चबा जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कच्चा खा जाना या कच्चा चबा जाना मुहावरे का अर्थ होता है पूरी तरीके से नष्ट करने की धमकी देना, यानी कि मैं तेरे को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जब इस प्रकार की धमकी दी जाती है तो हम उसको बोलते हैं मुहावरे के रूप में कच्चा खा जाना या कच्चा चबा जाना। अब वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे कर सकते हैं? वह देखने में इतना भयानक लगता है कि वह किसी को भी कच्चा चबा जाए। एक हाइट के अंदर और बिल्कुल कमजोर आदमी है, एक बिल्कुल हाइट के अंदर ज्यादा आदमी है और बिल्कुल रिष्टपुष्ट शरीर का है, हेल्दी शरीर का है। तो अगर कोई छोटे शरीर वाला जो है वो उसको पूरी तरीके से खत्म करने की कैपेसिटी रखता है तो उस संदर्भ के अंदर हम बोलेंगे कि वह उसको कच्चा खा जाएगा या फिर कच्चा चबा जाएगा। तो हम बोल देंगे वह देखने में इतना भयानक लगता है कि वह किसी को भी कच्चा चबा जाए। नेक्स्ट है कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का अर्थ होता है किसी भी कमजोरियों को विस्तार से बताना। अगर जैसे आप किसी के बारे में जानते हैं, आप उसके दुश्मन के पास जाएंगे और उसकी सभी कमजोरियों को विस्तार से बता देंगे, बिल्कुल डिटेल के अंदर उसकी ये कमजोरियां हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसका कच्चा चिट्ठा खोल रहे हो। तो कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, किसी की कमजोरियों को विस्तार से बताना कि उसकी क्या क्या कमजोरियां हैं, उसको किस प्रकार से हराया जा सकता है, इस प्रकार से। तो कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, किसी की कमजोरियों को विस्तार से बताना। अब वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं? संसद में विपक्ष के नेता ने सबके सामने मंत्री जी का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। जो विपक्ष का जो नेता था वर्तमान के अंदर, जो सरकार थी उसके विपक्ष का जो नेता था, उसने जो वर्तमान के अंदर जो नेता था उसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया, यानी कि उसकी जितनी भी कमजोरियां थी, उसने जो जो भी काम किए थे उसने सब कुछ बता दिया, जनता के सामने वो ला दिया, यानी कि उसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। नेक्स्ट है कड़ी आँख। कड़ी आँख या फिर नज़र रखना, दृष्टि रखना, या तो कड़ी नज़र रखना या कड़ी दृष्टि रखना। कड़ी नज़र रखना या कड़ी दृष्टि रखना मुहावरे का अर्थ होता है पूरी तरीके से निगरानी में रहना, पूरी निगरानी के अंदर रहना। अब वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे कर सकते हैं? पुलिस की अपराधियों पर कड़ी आंख रहती है या फिर कड़ी नज़र रहती है या फिर कड़ी दृष्टि रहती है। तो कड़ी नज़र रहना, कड़ी दृष्टि रहना या कड़ी आंख रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पूरी तरीके से निगरानी के अंदर रहना, पूरी निगरानी रहना। नेक्स्ट है कतर व्योंत करना। कतर व्योंत करना मुहावरे का अर्थ होता है खर्च में कमी करना। कतर व्योंत करना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसके अंदर काफी ज्यादा पूछा जाता है कतर व्योंत करना।
क्योंकि बिल्कुल अलग है ना, तो इसलिए खर्च में कमी करना, कतर कतर व्यंत करना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, खर्च में कमी करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिसके कारण गृहणियां गृह खर्च में कतर व्यंत करने में लगी है। कतर व्यंत करने में मतलब कमी करने में, खर्च में जो कमी की जाती है उसको बोलते हैं कतर व्यंत करना। और गृहणियां क्या होती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं, जो बाहर जॉब नहीं करती है सिर्फ घर का ही काम करती हैं, उनको बोलते हैं गृहणियां। नेक्स्ट है कंधे से कंधा, नेक्स्ट है कंधे से कंधा मिलाना। कंधे से कंधा मिलाना मुहावरे का अर्थ होता है पूरी सहायता करना, पूरा सहयोग करना, पूर्ण रूप से सहयोग देना। तो कंधे से कंधा मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, पूर्ण रूप से सहयोग देना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, समाज के विकास के लिए हम सभी व्यक्तियों को चाहिए कि वे एक दूसरे के कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर जुटे। समाज को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि समाज को आगे ले जाया जा सके। तो यानी कि समाज के हर एक व्यक्ति को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, यानी कि एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कफन को कोड़ी न रखना। कफन को कोड़ी न रखना मुहावरे का अर्थ होता है अपव्ययी होना, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है, अगर उसको 100 रुपये देंगे तो वो 1 घंटे के अंदर 100 रुपये खर्च कर देगा, उसको 1000 रुपये देंगे तो भी 1 घंटे के अंदर खर्च, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला। तो कफन को कोड़ी न रखना, यानी कि जिसके पास कफन, अगर कोई मर जाए तो उसको कफन की आवश्यकता होती है, अगर उसके पास कफन खरीदने के भी पैसे नहीं है, यानी कि उसके पास कफन खरीदने के लिए भी इतने भी पैसे नहीं बचाए हैं, इसका मतलब वो क्या है, अपव्ययी है, यानी कि वो जितना पैसा उसके पास है वो आंख बंद करके उसको खर्च कर देता है। और एक मितव्ययी होता है, मितव्ययी का मतलब होता है सोच समझकर खर्च करना, बहुत कम खर्चा करना। तो अपव्ययी होना क्या कहलाता है, कफन को कोड़ी न रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, अपव्ययी होना। खर्च करो लेकिन इतने अपव्ययी मत बनो कि कफन को कोड़ी भी न रहे। कहने का मतलब है कोई भी जैसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो खर्च करो, लेकिन जहाँ खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है वहाँ पर आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो कफन को कोड़ी न रखना मुहावरे का अर्थ होता है अपव्ययी होना। खर्च कर लो लेकिन इतने अपव्ययी मत बनो कि कफन को कोड़ी भी न रखो, यानी कि अधिक अपव्ययी नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट है कफन सिर पर बांधना। कफन सिर पर बांधना मुहावरे का अर्थ हो गया भाई मरने के लिए बिल्कुल तैयार रहना, मरने के लिए बिल्कुल तैयार रहना। तो कफन सिर पर बांधना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, मरने के लिए बिल्कुल तैयार रहना। एक सच्चा सैनिक देश की रक्षा के लिए सदैव अपने सर पर कफन बांधकर रखता है, यानी कि वो दुश्मन को मारने के लिए या खुद मरने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो कफन सिर पर बांधना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, मरने के लिए तैयार रहना। एक सच्चा सैनिक देश की रक्षा के लिए सदैव अपने सर पर कफन बांधे रहता है। नेक्स्ट है कमर कसना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है किसी भी काम के लिए तैयार रहना। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तैयार रहना, तैयार होना। गंगोत्री की यात्रा कठिन थी, पहाड़ पर चढ़ना था किंतु कमर कसली और चढ़ गए। जब गंगोत्री की यात्रा हमने शुरू की वो बहुत ही ज़्यादा कठिन थी, लेकिन हमने कमर कसली यानी कि तैयार हो गए कि हमारे को तो चढ़ना ही है, और हम उसमें चढ़ने में सक्सेस भी हो गए। नेक्स्ट है कमर टूटना। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है कमजोर पड़ना। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है कमजोर पड़ना। अब वाक्य क्या लिख सकते हैं, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, कमजोर पड़ जाना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, दोनों भाई अच्छी खासी दुकान चला रहे थे, बड़े भाई के गुजरने के बाद छोटे भाई की तो कमर ही टूट गई, कभी अकेले से भी दुकान चलती है क्या। दो भाई थे, दोनों मिलकर अच्छी खासी अपनी दुकान चला रहे थे, लेकिन उसका जब बड़ा भाई मर गया तो वो कमजोर पड़ गया, जिसके कारण अब वो दुकान नहीं चला पा रहा है। तो कमजोर पड़ गया यहाँ पर इसका हमने मुहावरा क्या लिया है, कमर टूटना। देखिए हमने यहाँ पे लिखे ना कमर टूट गई, इसका मतलब वो क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। नेक्स्ट है कमान से तीर निकल जाना। कमान से तीर निकल जाना मुहावरे का अर्थ होता है अवसर चूक जाना।
कमान से तीर निकल जाना मुहावरे का अर्थ होता है अवसर चूक जाना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, मकान बेचने के बाद उसको हुआ कि उसने दाम कम दाम मांगे थे पर तब तक तीर कमान से निकल चुका था, यानी कि मकान बेचने के बाद अगर वो सोचता है कि मैंने मकान जो है वो कम पैसे में बेच दिया तो अब तो अवसर उसके पास है नहीं, अब तो उसने बेच दिया है, यानी कि कमान तीर जो है वो कमान से निकल चुका है, अवसर जो था वो चूक चुका है। नेक्स्ट है कलाई खुलना। कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ होता है किसी भी गलत बात का पता चलना, किसी भी किसी की क्या गलती है इस बात का पता चलना। तो कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ होता है किसी की गलत बात का पता लगना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, उसकी कलाई खुल गई और सबको पता चल गया कि वह तस्करी करने के लिए यहाँ रह रहा था। कोई व्यक्ति था वो तस्करी कर रहा था, तो जब लोगों को पता चला इसका मतलब क्या हो गया, कलाई खुल गई, यानी कि उसकी गलत बात का सबको पता चल गया। नेक्स्ट है कलेजा थामना। कलेजा थामना मुहावरे का अर्थ होता है भय या फिर आशंका से स्तंभित रह जाना, या तो भय के कारण, डर के कारण या फिर आशंका के कारण स्तंभित रह जाना किसका अर्थ होता है, कलेजा थामना मुहावरे का अर्थ होता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, इस बार सभी उम्मीदवार विधानसभा के चुनावों के नतीजों को कलेजा थामकर देख रहे हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है, या तो उनके अंदर थोड़ा बहुत डर है कि हार गए तो क्या होगा, या फिर आशंका है कि अपन हार सकते हैं तो इस बात से वो स्तंभित हैं, कुछ भी हो सकता है उनको पता ही नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, कलेजा थाम कर बैठे हुए हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। नेक्स्ट है कलेजा धक से रह जाना। कलेजा धक से रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है डर जाना। जब कोई भी अचानक से किसी के सामने कोई ऐसा जानवर आ जाए जिससे वो एकदम से डर जाए तो इसका मतलब उसका कलेजा जो था वो धक से रह गया, यानी कि एकदम से वो डर गया। अंधेरे में सड़क पर पड़ी रस्सी को सांप समझकर मेरा कलेजा धक से रह गया। धक से रह गया मतलब वो एकदम से डर गया। नेक्स्ट है सॉरी कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आना मतलब क्या हो गया, बिल्कुल घबरा जाना, एकदम से जैसे यहां पे डर रहा है ना वैसे एकदम से क्या हो जाना, घबरा जाना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, पिताजी के दिल का दौरा पड़ने का समाचार सुनकर उसका तो कलेजा मुंह को आ गया, यानी कि एकदम से वो क्या हो गया, घबरा गया। नेक्स्ट है कलेजे का टुकड़ा। कलेजे का टुकड़ा होना मतलब क्या है, बहुत प्रिय होना, बहुत प्यारा होना। कलेजे का टुकड़ा होना मतलब बहुत प्यारा होना। हर माता पिता की संतान उसके लिए कलेजे का टुकड़ा होती है। कोई भी जो पेरेंट्स हैं, माता पिता जो हैं, उसके जो बच्चे होते हैं उनके लिए बिल्कुल कलेजे का टुकड़ा होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। नेक्स्ट है कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब होता है धैर्य धारण करना, पेशेंस रखना। कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, धैर्य धारण करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, लेकिन अब कलेजे पर पत्थर रखने के अलावा और बचा ही क्या है, कम उम्र में बेटे की मौत हो गई। किसी भी माता पिता के अगर उसके बच्चे की मौत हो जाती है तो उनके पास धैर्य धारण करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता, कलेजे पर पत्थर रखकर रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है। कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या से हृदय जलना। आप और आपका दोस्त है, आपका दोस्त बहुत ज़्यादा सक्सेस कर लेता है, या फिर आपका दुश्मन मान लो, आपका दुश्मन बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है, तो अगर आप उससे ईर्ष्या कर लेते हैं तो उसकी सफलता को देखकर आप का जो हृदय है वो जलने लग जाएगा, यानी कि आपके कलेजे पर सांप लौटने लग जाएगा। तो कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ईर्ष्या से हृदय जलना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, मेरी प्रगति देखकर मेरे पड़ोसी के कलेजे पर सांप लौटने लगता है, यानी कि मेरे जो पड़ोसी हैं वो मेरे से ईर्ष्या करते हैं और जब मैं सक्सेस होता हूं तो उनके कलेजे पर सांप लौटने लगता है, यानी कि वो उनका हृदय जो है वो जलने लगता है। नेक्स्ट है कहां राजा भोग कहां गंगू तेली।
कहां राजा भोग कहां गंगू तेली मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हैशियत में बहुत अंतर होना, एक तो बहुत ज्यादा अमीर होना और एक बहुत ज्यादा गरीब होना, यानी कि जो उनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा होना। तो कहां राजा भोग और कहां गंगू तेली, हैशियत के अंदर बहुत ज्यादा अंतर होना, एक बहुत ज्यादा अमीर होना क्योंकि एक तो राजा है और एक तेली है, तो इनकी जो हैसियत है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो हैसियत में बहुत ज्यादा अंतर होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? आज के छुटभैया राजनीतिज्ञों की तुलना गांधी जी और पटेल से नहीं की जा सकती, क्योंकि कहां राजा भोग और कहां गंगू तेली, आजकल के जो छोटे मोटे जो नेता है उनकी तुलना पटेल से और गांधी जी से की जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि कहां राजा भोग और कहां गंगू तेली, वो बहुत महान हस्तियां थी और ये जो है वो उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कांटों पर पांव रखना। कांटों पर पांव रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जानबूझकर मुसीबत के अंदर पड़ना या फिर मुसीबत मोल लेना। कांटों पर पांव रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? वर्षा हो रही है, नदी पार मत करो, क्यों कांटों पर पांव रख रहे हो? अगर जैसे मान लो कि भाई बरसात हो रही है, आपको पता है कि नदी जो है वो अचानक से उसका फ्लो जो है वो ज्यादा हो सकता है, तो अगर आप नदी पार करने जा रहे हो तो इसका मतलब आप जो है वो जानबूझकर मुसीबत मोल ले रहे हो। नेक्स्ट है कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है हवाबाजी करना। जो हवाबाजी का मतलब होता है बहुत ही जो जमीनी स्तर की बात नहीं होती है, बिल्कुल जो असंभव बातें होती हैं वो वाली बातें करना। तो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हवाई बातें करना। नौकरी चाहिए तो पहले पढ़ाई पूरी करो, यूं ही घर पर निठल्ले बैठकर कागजी घोड़े दौड़ाने से कोई बात नहीं बनने वाली है। जैसे आप घर पे बैठे हो और फिर आप बोलो कि भाई मैं तो गूगल में जॉब लग जाऊंगा, मैं तो फेसबुक के अंदर जॉब लग जाऊंगा, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो तो सब हवाई बातें हैं ना। जब आप पढ़ोगे तभी तो जाके आपको कोई नौकरी देगा। नेक्स्ट है तो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? हवाई बातें करना। नेक्स्ट है काटो तो खून नहीं। काटो, आप चाकू से काटो तो खून नहीं, कहने का मतलब बहुत ज्यादा डरा हुआ है। जब आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है तो उसके अंदर जो ऐसे मान लो कि ब्लड जो सर्कुलेशन होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त जो होता है वो घूमता रहता है, वो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि वो रुक जाता है, वैसे होता नहीं है लेकिन फिर भी रुक जाता है। तो काटो तो खून नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि भाई बहुत ज्यादा भयभीत है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है, तो काटो तो खून नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। काटो तो खून नहीं अत्यंत भयभीत होना। अपने सामने कत्ल होते देखते ही मेरी स्थिति ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं, यानी कि मैं जो है वो बहुत ज्यादा डर गया। नेक्स्ट है काठ का उल्लू। काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ होता है निपट मूर्ख होना, यानी कि बहुत ज्यादा मूर्ख होना। रवि को कितना भी समझाओ वो नहीं समझेगा क्योंकि वो काठ का उल्लू ही है, ये हो गया इसका वाक्य। नेक्स्ट है काठ मार जाना। काठ मार जाना मुहावरे का अर्थ होता है हतप्रभ रह जाना। पवन ने खूब मेहनत की थी फिर भी खराब रिजल्ट देखकर तो उसे काट ही मार गया, यानी कि वह हतप्रभ रह गया। उसकी ऐसी आशंका नहीं थी कि मैं इतना पढ़ा हूं इसका मतलब मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट रहने वाला है, लेकिन अगर रिजल्ट खराब रह गया तो इसका मतलब उसको काट मार गया या वह जो है हतप्रभ रह गया, न हिला न डुला, बिल्कुल स्तंभित रह गया, अचंभित रह गया। तो ये हमने कुछ मुहावरे कवर किए हैं। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो नोट्स वगैरह की या किसी भी चीज़ की बिल्कुल फ्री के अंदर, तो शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, आप इनको सेव कर सकते हैं 86 96 60 85 41। आप व्हाट्सअप पे जब हमारे को मैसेज करेंगे तो हम व्हाट्सअप पे भी आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे, सब्जेक्ट और अपने क्लास लिखकर भेज देना। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ।